आइसक्रीम स्टिक्स से मिला के आज सबको ज्वाइन करते हुए एक मोबाइल स्टैंड बनाएंगे। फेविकॉल की हेल्प से हम आइसक्रीम स्टिक्स को जॉइंट करते हुए तीन साइज़ के एक ही साइज़ के पैनल बना लेंगे। इस तरीके से हम आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करते हुए चले जाएंगे। पहले एक चार आइसक्रीम स्टिक का हमने एक बेस बनाया और इसके अंदर हम इन आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक कर देंगे। इस तरीके से हम तीन बेस बना लेंगे। सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। हर पैनल में हमको 11 स्टिक्स लग रही हैं, तो 11 स्टिक्स को और इसके बाद हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमारा फ्रंट साइज़ है वहाँ पर हम डबल स्टिक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको मोबाइल को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि वो मोबाइल आगे ना बढ़े, उस तरीके से देखेंगे आप। हम यहाँ पर हम 3 और 4 स्टिक को एक साथ सामने की तरफ स्टिक करेंगे, जिससे कि मोबाइल को सपोर्ट मिले और वो आगे ना बढ़े, क्योंकि हमको ये स्टैंड बनाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और थोड़ा वेट करते जाएंगे जिससे कि वो ड्राई होता जाए। तो ये सामने वाला जो पैनल है, इसको वो जो 4 स्टिक्स हमने एक साथ स्टिक की हुई हैं वो इसको रोकेंगे। ये देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे, ये इसको रोक रही हैं, जिससे कि हमारा मोबाइल आगे नहीं बढ़ सकता। अब हमको ये तीनों जो पैनल हैं इनको इस तरीके से जॉइंट करना है। तो सामने जो स्टार्टिंग में लगाई है मोबाइल रखने के लिए, यहाँ जगह बन गई है। पीछे वाले पैनल जो फ्रंट वाला पैनल है, इसको पीछे वाले पैनल से स्टिक करेंगे, जिससे कि उसका बैलेंस बन जाए, वो स्टैंड बन जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको खड़ा किया और फेविकॉल की हेल्प से हमने इसको स्टिक किया हुआ है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमको इसके ऊपर एक्रिलिक कलर यूज़ करना है। एक्रिलिक कलर को यूज़ करते हुए हम इसको कलरफुल बनाएंगे, तो एक्रिलिक कलर का यूज़ भी करना है हमको इसमें। इस तरह से मोबाइल स्टैंड बन जाएगा।